हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन के अंदर हमने एक लैंडिंग पेज बनाया था। आप देख सकते हैं इस तरह का लैंडिंग पेज हमने प्रीवियस लेसन में क्रिएट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप उसकी इस वीडियो को देख सकते हैं और लैंडिंग पेज किस प्रकार से क्रिएट होता है और उसकी बेसिक सेटिंग के बारे में जान सकते हैं। ओके, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम किस प्रकार से ग्रो फनल्स का अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं, अनलिमिटेड इसमें फनल्स क्रिएट कर सकते हैं, लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइफ टाइम तक उसमें क्रिएट कर सकते हैं। एक बार अगर आप इस फनल्स को यूज़ करना सीख जाओगे तो आपको किसी भी दूसरे फनल्स को देखना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे फनल्स को क्रिएट करना, दूसरे फनल्स को देखना नहीं पड़ेगा, दूसरे फनल्स का उपयोग करना नहीं करेगा कि किस तरह से हम इसमें लैंडिंग पेज क्रिएट करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, तो इस वीडियो को आप डेडिकेटली देखें और ये पूरी केयरफुल देखें ताकि आपको इस वीडियो के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से इसका इनका लाइफ टाइम एक्सेस लेंगे। ओके, तो लाइफ टाइम एक्सेस लेने की जो शायद ही आपको जो इससे यूट्यूब की ओर मिलेगी वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसका लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हैं। ओके, तो हम बात कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप अब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ओके, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अनलिमिटेड लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए आपको एक चाहिए होगी एक होस्टिंग एंड डोमेन। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटर है, ब्लॉगर है, यूट्यूबर, आप डिजिटल मार्केटर है तो आपके पास ये पहले से ही होंगे। अगर आपके पास एक चीपेस्ट होस्टिंग नहीं है या अगर आप बाई करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में होस्टिंग का लिंक दे रखा है, डिस्काउंट लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप इस होस्टिंग को बाई कर सकते हैं। होस्टिंगर का एक डिस्काउंट दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप होस्टिंगर के ऊपर 90% ऑफ का डिस्काउंट पा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप चीपेस्ट प्राइस के अंदर होस्टिंगर बाई कर सकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा और भी देता हूँ होस्टिंगर के बारे में। ओके, एक बहुत ही चीपेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी, आपको साथ में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा वहाँ पर और एक SSL सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके तो उसको उपयोग करके आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर होस्टिंग ले सकते हो और उसके ऊपर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो कर सकते होगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसके जो प्लान सा भी है 179 वाला मंथली प्लान है, आप लगभग ये आपको 3000 के अंदर 3000 या 3200 इसके लगभग ये आपको पड़ेगी, यानी कि 100 वेबसाइट आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, लिमिटेड वेबसाइट इसमें क्रिएट कर सकते हो आसानी तरीके से। ओके, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप सिंपली इसका ऊपर आ सकते हो और इसके जो वेबसाइट की होस्टिंग प्लान है उसको बाई कर सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो हम बात करते हैं कि हम किस तरह से इसका अनलिमिटेड लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। तो ये लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए क्या होगा, ये कोई ट्रिक है। ओके, तो आपने सबसे सिंपली मान ली आपने एक होस्टिंग ले ली, डोमेन ले लिया, उसके ऊपर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना। ओके, तो एक ग्रो फनल्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सबसे अच्छा जो फीचर क्या है कि आप इन पेजेस को क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, इन पेजेस को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अनलिमिटेड लाने का तात्पर्य ये है कि आप क्या करो, आप सिंपली आपने एक लैंडिंग पेज आपने तैयार कर लिया। ओके, ये लैंडिंग पेज आपने तैयार कर लिया, इसको पब्लिश कर दिया, तो सिंपली क्या करोगे आप है ना, इस लैंडिंग पेज को पब्लिश करने के बाद सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर राइट कोने में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन दिखता है यहाँ पर एक्सपोर्ट साइट पर क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट है पूरा का पूरा जो लैंडिंग पेज था ये पूरा का पूरा लैंडिंग पेज एक्सपोर्ट हो जाएगा और उस लैंडिंग पेज को हम अपने डोमेन के ऊपर, अपनी होस्टिंग के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। ओके, आप जितने चाहो उतने जो उसके लैंडिंग पेज में क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर आके। ओके, अभी ये प्रिपेयर हो रहा है ना यहाँ पर अपलोडिंग हो गया, शायद हो गया प्रिपेयर हो रहा अभी। ओके, आप जितने चाहो उतने लैंडिंग पेज यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो और उनको आप एक्सपोर्ट करके अपने वेबसाइट के ऊपर अलग अलग लैंडिंग पेजेस को वहाँ पर लगा सकते हो, अलग अलग एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग अपने प्रोडक्ट के लिए उन लैंडिंग पेजेस को आप चूज कर सकते हो और लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हो और अलग अलग पेजेस के लिए, अलग अलग होस्टिंग प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग पेज क्रिएट करके उनके ऊपर उन प्रोडक्ट को होस्ट कर, उन लैंडिंग पेज को आप वहाँ पर होस्ट कर सकते हो। ओके, तो सिंपली मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अनलिमिटेड लैंडिंग पेज क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपने एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर लिया, सिंपली अच्छा लैंडिंग पेज, आपने सब चीज़ें लैंडिंग पेज यहाँ पर इसमें क्रिएट कर लिया, सब चीज़ें इसमें सेटअप कर लिया। ओके, उसके बाद में क्या करना है, आपको साइट यहाँ पर गाइड कॉलम में जाना है, इसको एक्सपोर्ट साइट कर लेना है, यानी कि इसको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद में आपको एक होस्टिंग और डोमेन लेना है, उसके बाद में वर्डप्रेस को आप उसमें इंस्टॉल करना है और उस जिस पेज के ऊपर आप इसको होस्ट करना चाहते हो तो उस पेज के ऊपर इसको होस्ट कर सकते हो जो हमने साइट यहाँ से एक्सपोर्ट की है। ओके, ये तो होगी पहले साइट के अंदर। ओके, सेकंडली हम बात करते हैं कि अनलिमिटेड कैसे बनाएंगे इसके अंदर, आप जितने चाहो आप इसको यहाँ पर डिलीट करके इसको यहाँ से मैं डिलीट कराता हूँ यहाँ से। ओके, उसके बाद में यहाँ से आप चाहते हैं मैं इसका दूसरा लैंडिंग पेज यहाँ पर क्रिएट करूँ तो सिंपली इसको यहाँ से इसको भी डिलीट कर दूंगा मैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, सिंपली हम चलते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। ओके,
तो सिंपली हम चलते हैं ब्लॉक्स के ऊपर और जो भी आपको पेज चाहिए होगा यहाँ से काउंट डाउन टाइमर ले लेते हैं यहाँ से, फिर भी कोई दूसरा पेज चाहिए होगा तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं यहाँ से। ओके तो आप कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीका पेज यहाँ से सेट कर सकते हैं यहाँ से। मैंने कोई ये पेज ऐसा लगा तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ओके और यहाँ पर यह हो रहा है क्या, मन लगे लोड हो रहा है यहाँ से, तो ये पेज हमारे इसके ऊपर आ जाएगा और इसमें हम एडिटिंग वगैरह करके सब चीज़ यहाँ पर फिक्स करके सब चीज़ सब तरह से एडिट वगैरह करके इसको पब्लिश करके ओके ओके ना यहाँ से, और हम यहाँ से सब चीज़ को यहाँ पर एडिट वगैरह करके या इसको यहाँ से कर देंगे हम पब्लिश डेमो, पब्लिश कर देंगे यहाँ से। पब्लिश करने के बाद भी सिंपली इसको एक्सपोर्ट करना है और इसको भी हम अलग पेज बना के अपनी वेबसाइट के ऊपर अलग पेज बना के उसमें इसको होस्ट कर देंगे। इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस को यहाँ पर एडिट करके, मल्टीपल पेज को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल के मल्टीपल पेजेस को यहाँ पर आप उसमें ऐड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के उनको होस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अनलिमिटेड लैंडिंग पेज यहाँ से वो क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ओके ओके तो आई होप कि आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी वगैरह रहती है तो मुझे आप कमेंट करें ताकि ओके तो आपकी में जो भी क्यूरी होगी उसका सॉल्यूशन करने का बिल्कुल से बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने का ट्राई करूँगा। अन्यथा आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं तो आपके मैं बिल्कुल से हेल्प करूँगा ओके, जो मेरे से हो सकेगी। ओके तो इस तरह से आप इसमें अनलिमिटेड लैंडिंग पेज इसमें क्रिएट कर सकते हो। आप चाहे पूरी वेबसाइट यहाँ से क्रिएट करके, यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करके इस वेबसाइट को यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने होस्टिंग के ऊपर यहाँ पर लगा सकते हो। इसका मेन तरीका ये है कि आपको यहाँ पर अच्छे और अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज बने बनाए मिल जाते हैं यहाँ पर, तो उन लैंडिंग पेज को अपनी वेबसाइट के ऊपर होस्ट कर सकते हो। ओके यहाँ पर ये पब्लिश हो गया ना, तो सिंपली हम चलते हैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट सेट करते हैं यहाँ से और ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। ओके तो इस तरह से हम क्या कर लिए, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके इस तरह से हमने एक्सपोर्ट कर लिया। ओके ये हो रहा है, अभी लोड हो रहा है। ओके तो हम चलते हैं पहले वाली वेबसाइट के ऊपर, इसके ऊपर हमने जो पहले ली थी इसको ओपन करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट 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 और हम इसको डेस्कटॉप पे डालते हैं यहाँ से। ओके ओके अब यहाँ से डेस्कटॉप डालते हैं इसको, यहाँ पर एक्सेट हर करते हैं। ओके यहाँ से एक्सेट हो गया और इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। ओके तो हमारा लैंडिंग पेज यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से, जो मैंने पहले लैंडिंग पेज बनाया था ना वो लैंडिंग पेज यहाँ पर आ गया है। ओके तो ओके 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 अब डाउनलोड्स में क्या, ये सेकंड वाला जो जिप्ती डाउनलोड हो गई है इसको यहाँ से हम करते हैं, इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि वो सेम हो जाएगा ना इसका डिफॉल्ट। ओके हो गया, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। आप देखो यहाँ पर ये पहले वाला लैंडिंग पेज था एंड ये सेकेंड वाला लैंडिंग पेज, दोनों लैंडिंग पेज हमारे पास आ गए। ओके अब हम बात करते हैं लैंडिंग पेज को अपने वहाँ पर होस्ट कैसे करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको होस्ट कैसे करेंगे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके तो सबसे इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ओके तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके किस प्रकार से इसको होस्ट करना है, तो इनको किस प्रकार से होस्ट करेंगे। सिंपली क्या करने थे, हम अपने वेबप्रेस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और सिंपली यहाँ पर हम पेज क्रिएट करेंगे। ओके हम पर्टिकुलर अलग अलग पेजेस के लिए, अलग अलग वेबसाइट के लिए, या फिर यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें बनाएंगे ना, जिस चीज़ पेज के लिए आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हो ना, जिस भी प्रकार का लैंडिंग पेज क्रिएट करना हो उस प्रकार का आपको क्या करना है, यहाँ पर पेज क्रिएट कर लेना है। और सिंपली बहुत ही अच्छी इमेजिंग ट्रिक है और आपको इसके बाद में ये लैंडिंग पेज आपको फ्री के अंदर आप ये चीज़ को सीखने को मिल रही है। आपको फ्री के अंदर आप फ्रीली लैंडिंग पेजेस को आप क्रिएट कर सकते हो, आप अमेजिंग तरीके से क्रिएट कर सकते हो और अमेजिंग लैंडिंग पेज अपने प्रोडक्ट के लिए बना सकते हो और आप अच्छी खासी कन्वर्जन अपने पेज के ऊपर ले सकते हो। तो सिंपली हम चलते हैं यहाँ से और यहाँ पर डेमो जो हमारी वेबसाइट थी। ओके यार ओके तो हमने ले लिया यहाँ से और मैं जो थीम यूज करता हूँ अभी इसमें, इसमें हम हमारे को यहाँ पर क्या मिल जाता है, यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन करने के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं हमारे को। जो मैं थीम यूज करता हूँ वो जनरेट पर थीम यूज करता हूँ। अगर आपको जनरेट पर थीम चाहिए तो सिंपली आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर जनरेट पर थीम को यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं या फ्री इसका फ्री वर्जन भी है यहाँ से, वहाँ जाकर इसका डाउनलोड करके फ्री वर्जन को भी यूज कर सकते हैं। ओके अगर आप बिगिनर हो तो उसका फ्री वर्जन का आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी थीम है और लाइटवेट थीम है और बहुत ही अच्छी स्पीड इस थीम की। ओके ओके इसके बाद हम चलते हैं इसमें नो साइड बाय करते हैं यहाँ से, सेव ड्रॉप करते हैं यहाँ से
ओके तो हमने डेमो पेज ले लिया, आप सिंपली इसको सेव ड्रॉप कर देंगे यहाँ से और हम चलते हैं एडिट विथ एलिमेंटर पे। ओके आपको एलिमेंटर का प्लगइन वहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। ओके अपने वेबसाइट में, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपको सहूलियत हो जाएगी इस तरह को इसके एचटीएमएल कोड को यहाँ पर पेस्ट करने के लिए। ओके तो सिंपली आप क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एचटीएमएल सर्च करना है इसमें सर्च बार में एचटीएमएल। ओके एचटीएमएल एचटीएमएल यहाँ पर सर्च करेंगे, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके अब नाउ अब क्या करेंगे, जैसे हमने लैंडिंग पेज को ले लिया, अब इसको हम इसके कोड को देखेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसके फोटर बार है उसको हटा सकते हैं, इसके फोटर बार को हम किस तरह से हटा सकते हैं। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और है वो भी बताने वाला हूँ आपको। ओके तो सिंपली इसको हटाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर जो हमारे जो इसका जो कोड हमने डाउनलोड किया था उसमें इसको एडिट करेंगे एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस में। ओके तो सिंपली इसको हटाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, नीचे इसमें बॉटम में आएंगे यहाँ पर और इसका कोड दिख रहा है यहाँ पर, ये कोड दिख रहा है ना यहाँ पर, इसका DIV स्क्रिप्ट यहाँ से लेके ये कोड दिख रहा है यहाँ पर। ओके इस कोड को हम क्या करेंगे, इसको हटा सकते हैं यहाँ पर, हटा भी देंगे। और सेकंड ये कर सकते हैं, हमारा जो एफिलिएट लिंक है दिस सेट वाज बिल्ट विथ ए, इसका जो लिंक है ये ग्रो ऑफलाइन, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा एफिलिएट लिंक भी लगा सकते हैं। ओके अगर हम किसी अपने जो इस वेबसाइट को किसी को शेयर करें ना तो यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक भी यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड सेकंड यहाँ पर कुछ और कुछ यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, कुछ बाई करने का अलग से को टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारा एफिलिएट लिंक भी लगा सकते हैं। ओके तो नीचे वाले लाइन को हम यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन होगी इसको हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से इसको सेव करेंगे और आफ्टर दैट इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखना यहाँ पर ये सेट यहाँ पर जो ये दिख रहा नहीं है सेकंड वाला ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया ना यहाँ से। और यहाँ पर हम अपने एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट यहाँ पर लिंक लगा सकते हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया था मैं आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर इसको भी हटाने के लिए होगा यहाँ से, जैसे बाय नाउ आपको बता दी ना आपको मैं आप जैसे एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं यहाँ से, आपको बता दिया ना यार आप लगा सकते हैं इतना तो आपको समझ आ रहा है, इसको करते हैं यहाँ से और यहाँ से ये देख सकते हैं बाय नाउ यहाँ पर आ गया ना। तो आप यहाँ पर अपने एफिलिएट लिंक लगा सकते हो, जो भी चीज़ चाहते हो यहाँ पर इसको लिख सकते हो कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है यहाँ पर। और आप इसको हटाना चाहते हो सिंपली क्या करोगे, यहाँ से इसको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट कर देना है और यहाँ से कंट्रोल सेव करना है तो पूरा का पूरा सेव हो जाएगा यहाँ पर। ओके तो पूरा का पूरा यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, ये यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना है और ये देखना यानी कि इसका पूरा का पूरा जो नीचे वाला था वो यानी कि सेव हो गया, मतलब कि हट गया है और आपका एक फ्रेश लैंडिंग पेज यहाँ से तैयार हो गया है। ओके तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको आप इसकी कॉपी करेंगे, इसको कंट्रोल ए करके यहाँ से सिंपली इस पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे यहाँ से हमने। बाद में हम चलेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, हम पेज के ऊपर हम जो एलिमेंट का पेज था उसमें जो एचटीएमएल सेलेक्ट किया था उस पर चलेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। बूम अमेजिंग वाओ देखना यहाँ पर क्या होता है। ओके हम देखते हैं हो जा भाई ये पेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये पेस्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे लैंडिंग पेज का पूरा जो कोड था तो हमारा पूरा लैंडिंग एचटी लैंडिंग पेज था, पूरा का पूरा लैंडिंग पेज यहाँ पर आ गया है, देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा लैंडिंग पेज यहाँ पर आ गया है। ओके तो है ना कमाल का ट्रिक है क्या। तो इस प्रकार से अपने वेबसाइट के ऊपर अनलिमिटेड लैंडिंग पेज के यहाँ पर ग्रो फनल्स में आके अनलिमिटेड लैंडिंग पेज यहाँ पर क्रिएट करके वहाँ पर उन साइट को एक्सप्लोर करके अनलिमिटेड लैंडिंग पेज को अपनी वेबसाइट के ऊपर होस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड पेजेस वगैरह क्रिएट करके अपनी अनलिमिटेड पेजेस क्रिएट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ पर चेंज करना चाहते हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं पब्लिश करता हूँ यहाँ से, पब्लिश हो जाओ भाई पब्लिश हो गया है यहाँ से। एंड इसका लुक देखते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा इससे मार्जिन वगैरह इसमें है इसको हटाते हैं यहाँ से। इसके मार्जिन हटाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें मार्जिन दे रखा है, इसमें इसके एडिटिंग भी क्लिक करेंगे और इसमें इसका जो बॉक्स जो लेआउट है लेआउट को पोस्ट को करेंगे, बॉक्स तो दे रखा है यहाँ पर इस फुल बिट करेंगे। एंड इसके जो अंडर लेआउट है इसको हम करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ पर हटा और यहाँ से क्या हो गया फुल बिट हो गया यहाँ से। ओके पूरी वेबसाइट देखिए, इसमें ना फुटर बार है ना हेडर है कुछ नहीं है और सिंपली आपका लैंडिंग पेज है। ओके तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट के साथ अपने डोमेन के साथ इन पेजेस को होस्ट कर सकते हो और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसमें होस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से होस्ट करते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ओके तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्यूरी वगैरह रहती तो मैं आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, फिर फेसबुक मैसेज कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम फॉलो करें मुझे मैसेज कर सकते हैं, सिंपली वहाँ पर जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो भी आपकी क्यूरी वगैरह है उन क्यूरीज को आप वहाँ से सोल्यूशन ले सकते हैं मेरे से। ओके तो मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा
एंड यहाँ सिंपली हमारा पेज यहाँ पर जो क्या हो गया है, यहाँ से पब्लिश हो गया है, यहाँ से अपडेट हो गया है, और इसको हम चाहते हैं प्रीव्यू चेंज करते हैं, देखते हैं यहाँ से किस प्रकार हमारा पेज दिख रहा है। ओके ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा पेज, देखो हो गया ना शानदार पेज हमारे यहाँ पर, लैंडिंग पेज यहाँ पर तैयार हो गया है। इसी प्रकार से आप मल्टीपल लैंडिंग पेज पेजेज वगैरह मल्टीपल पेजेस क्रिएट करके अपने लैंडिंग पेजेस को वहाँ पर होस्ट कर सकते हैं इसी प्रकार से। ओके ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो को बारे में इस बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी आपको कुछ क्वेरी वगैरह रहती है तो मुझे कमेंट करें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इसमें जो फॉर्म वगैरह होते हैं, जो डेटा जो लीड किस तरह से कैप्चर करेंगे, किस तरह से हम मेलचिम को किस तरह से अपने ग्रुप फंड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारे उसमें अच्छी हमारे जो कस्टमर के लीड हो उसमें कैप्चर कर सके। ओके, तो मिलेंगे अगली।